जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के निमडी थाना के एएसआई अरुण कुमार को एसीबी ने 5000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ दबोचा है। वैसे पूरा मामला एक केस को रफा दफा करने से जुड़ा है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले दो लोगों में विवाद हुआ था, जिसमें से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर केस दर्ज करा दिया था। इसी को मैनेज करने के लिए एएसआई ने दूसरे पक्ष से 5000 रुपए की रिश्वत की मांग की, लेकिन संबंधित व्यक्ति ने इसकी सूचना एसीबी को दे दी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और जैसे ही संबंधित व्यक्ति एएसआई को घूस की राशि दी कि एसीबी की टीम पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वैसे एएसआई को एसीबी जमशेदपुर की टीम अपने साथ सोनारी दफ्तर ले गई, जहां घूसखोर दरोगा से गहन पूछताछ की जा रही है। वहीं आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रमोद शर्मा ने मारपीट का एक मामला नितेश कुमार तिवारी के विरुद्ध निमरी थाना में दर्ज कराया था, जिस पर अप्राथमिकी की कार्रवाई की गई। इसके जांचकर्ता निमरी थाना के सहनी अरुण कुमार वर्मा थे, जिनके द्वारा इस मामले में सुलह कराने हेतु 5000 रुपया रिश्वत की मांग की गई थी, लेकिन ये रिश्वत हमने चाहते थे। इसकी सूचना हमारे यहाँ शिकायत दर्ज कराए, इसका सत्यापन दिनांक 25/8/2020 को व्यास रंग द्वारा किया गया था। आज दिनांक 26/8/2020 को नितेश कुमार अरुण कुमार वर्मा को 2500 रुपया लेते हुए निमरी ब्लॉक से रंगे गिरफ्तार किया गया है। पहले कितने का डिमांड किया था? 5000। 5000 डिमांड किए थे, लेकिन बाद में मामला 25 समय तय हुआ था। कंप्लेनर से प्रमोद शर्मा। किस चीज़ के लिए? आपस में मारपीट हुई थी, मारपीट के लिए थाना में थे, जिस पर कि अप्राथमिकी के तहत कार्रवाई की गई। किस थाना में पोस्टेड थे? क्या निमरी थाना पोस्टेड है। इंडियन न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट।